चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ की बात करने वाले हैं। वीडियो सभी छात्र छात्राओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो को स्किप ना करें। जहाँ तो आपको बता दूं कि कल से भरे जाएंगे बीएड फाइनल के फॉर्म। विश्वविद्यालय से संबंध कॉलेजों में बीएड फाइनल के फॉर्म 11 मई से 20 मई तक ऑनलाइन भरे जाएंगे। छात्र भरे हुए फॉर्म को 21 मई तक संबंधित कॉलेजों में समस्त प्रमाण पत्रों के साथ जमा कराएंगे। आपको बता दूं कि बुलंदशहर, गाजियाबाद, हापुड़ एवं गौतम बुद्ध नगर के कॉलेज 23 तक, जबकि बागपत, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और शामली जिले के कॉलेज 24 मई तक फॉर्म कैंपस में जमा करेंगे। उसके साथ ही आपको बता दूं कि जो बीएड प्रथम वर्ष के जो फॉर्म है उनको राहत दी है, और वो यहां पर छात्र जो है 16 तक उन फॉर्म को भर सकते हैं। विश्वविद्यालय ने बीएड प्रथम वर्ष के छात्रों को राहत दी है कि जो छात्र किन्हीं कारणों से फॉर्म नहीं भर सके थे अथवा जिनके फॉर्म कॉलेजों ने कन्फर्म नहीं किए थे, वे सभी छात्र 16 मई तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। 17 मई तक छात्रों को फॉर्म कॉलेजों में जमा करना होगा। फॉर्म भरने के बावजूद परीक्षा शुल्क जमा करने में विकल्प छात्र भी यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। उसके साथ ही आपको बता दूं कि विश्वविद्यालय ने छोटे पेपर कोड के लिए शनिवार को जारी हुई अतिरिक्त परीक्षा कार्यक्रम को सोमवार के फिर से वेबसाइट पर अपलोड किया है, यानी कि रिवाइज्ड डेट शीट जारी की गई है। तो आप जो है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी को ऑफिशियल वेबसाइट www.ccsuniversity.ac.in पर जाकर के रिवाइज डेट शीट को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में आपको बता दूं कि विश्वविद्यालय के अनुसार इस परीक्षा कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं है। पूर्व में जारी कार्यक्रम में पृष्ठ संख्या का क्रम बदल गया है, इसी को सही करते हुए सोमवार को फिर से जारी किया गया है। यानी कि आपको बता दूं कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षा 5 मई से शुरू हो चुकी है। विश्वविद्यालय ने वार्षिक परीक्षा के लिए 27 पेज का कार्यक्रम जारी किया था। इसमें पेज संख्या 9 और 10 के क्रम में गड़बड़ी हो गई थी, जिसे संशोधित करते हुए सोमवार को परीक्षा कार्यक्रम जारी किया गया है। इस परीक्षा कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। किसी भी परीक्षा की तिथि में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। परीक्षा विभाग ने छात्रों को संशोधित परीक्षा कार्यक्रम देकर परीक्षा की तिथि को सुनिश्चित करने के लिए कहा है। उसके साथ ही आपको बता दूं कि स्कूटनी का रिजल्ट भी जारी कर दिया गया है। जिन छात्रों ने स्कूटनी भरी थी वो अपने स्कूटनी के रिजल्ट को देख सकते हैं। उसके साथ ही आज से एमडी एमएस के लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो जो छात्र एमडी और एमएस और साथ में डीएम डिप्लोमा मेडिकल कोर्स सत्र 2019-22 की मुख्य एवं सप्लीमेंट्री परीक्षा शुरू होने वाली है, इसके अलावा एमबीबीएस प्रथम वर्ष की सप्लीमेंट्री परीक्षा भी शुरू होने वाली है। इन सभी पाठ्यक्रमों की परीक्षा के लिए 10 मई से ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरे जाएंगे, यानी कि आज से परीक्षा फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं। जिन छात्रों ने परीक्षा फॉर्म को भरना है वो अवश्य परीक्षा फॉर्म को भर ले। तो आपको बता दूं कि विश्वविद्यालय ने कड़े निर्देश कॉलेजों को दिए हैं। जिन कॉलेजों में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं वो अपने परीक्षा केंद्र में कैमरे को अवश्य लगा ले, और परीक्षा जो कैमरे का लिंक है, सीसीटीवी लिंक को वो पोर्टल पर डाल दे, जिससे कि परीक्षा विभाग साथ में विश्वविद्यालय सभी परीक्षा केंद्र की निगरानी कर सके। उसके साथ ही चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी ने कुछ रिजल्ट्स जारी किए हैं, जिसमें कि एमएससी एजी फूड साइंस प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर, एमपीए प्रथम तृतीय सेमेस्टर और एमए राजनीतिक विज्ञान प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर सीबीसीएस का रिजल्ट जारी कर दिया है। विश्वविद्यालय ने स्कूटनी का रिजल्ट भी जारी किया है, तो छात्र विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपने रिजल्ट को देख सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें। उसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। तो मिलता है कोई लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।